आज है 14th में और आज डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 6 है और कोइंसिडेंसली आज ही मदर्स डे भी है। आई डोंट नो कोइंसिडेंस है या डीमन स्लेयर के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने सोचा था कि इतना स्पेशल एपिसोड हम मदर्स डे के दिन रिलीज करेंगे। पास्ट के कुछ 3-4 एपिसोड्स के अंदर हमने काफी इंटेंस बैटल देखी हमारे डीमन स्लेयर्स और डीमंस की। इनफैक्ट लास्ट एपिसोड के अंदर हमने सबको ही एक्शन के अंदर देख लिया था। आई थॉट एपिसोड 6 के अंदर हमें मित्सुरी बैटल में ज्वाइन होती दिखेगी, टोकी टोकी फाइट आगे बढ़ेगी, जो कि नहीं हुआ। मित्सुरी बैटल ज्वाइन करे वो बात तो छोड़ो, उसको दिखाया तक नहीं गया। इनफैक्ट टोकीटो को अभी कुछ भी नहीं था, बस ये दिखाया गया वो भी फंसा हुआ है उस वाटर प्रिजन के अंदर। इस एपिसोड के अंदर मेन जो फोकस में रहे वो है हमारा तांजिरो, अपर मून 4 और गैने और उसकी बैक स्टोरी। और जब मैंने वो देखी मेरे मुंह से बस दो ही शब्द निकले, ओए इताची। मेरे को नहीं पता कि एनीमे का क्या लॉजिक है, पर बड़ा भाई सफर करता है हर टाइम। और एपिसोड 6 के अंदर हमें अपर मून 4 की रियल बॉडी भी दिख गई, जो कुछ ज्यादा ही पिद्दी है। बट वियर्ड पार्ट वाज गैने की गन या उसकी ब्लेड, उससे वो मरा ही नहीं। हमने गैन्या की बैक स्टोरी तो देखी, पर हमने एक चीज और देखी कि तांजिरो फाइट के अंदर ही ग्रो करता जा रहा है। भैया वो हीनो कामी कागुरा यूज कर रहा है, टॉप लेवल चीज। चलो जो भी, अब आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 के बारे में। सबसे पहली चीज एपिसोड का नाम, जो कि है आरंट यू गोइंग टू बिकम अ हाशिरा। पहले मेरे को लगा था जो प्लॉट है हमारा वो ये चीज तांजिरो के लिए बोल रहा है कि तू तो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो हाशिरा कब बने। पर आगे पता लगता है कि किसी और के फीलिंग्स है, और उसके भी आगे पता लगता है कि उसने ऐसे फीलिंग्स क्यों रखे हुए हैं, उसे हाशिरा क्यों बनना है। कहने की बात कर रहा हूँ, लास्ट एपिसोड के अंदर मैं ये बात बोल रहा था कि लिटरली इतना इजी था एक अपर मून 4 को मारना और दिख गया। नहीं नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे। मेरे को लग ही रहा था भाई ये अपर मून 4 है, इतनी जल्दी कैसे मरे गए। नहीं मरा ऑफकोर्स, तांजिरो और गन ने मिलकर 4 सर तो काट दिए, बट ये लोग वापस रीग्रो करने लग जाते हैं। तांजिरो समझ जाता है कि ठीक है 4 के अलावा कोई एक और है जिसका सर भी काटना पड़ेगा। और लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने ये बात पॉइंट आउट करी थी कि तांजिरो ने नेजुको तो वहीं पड़े पड़े छोड़ दिया, इसमें तांजिरो पर याद आता है अबे नेजुको याद आ गया नेजुको के बारे में। ये क्या भाई, तुम्हारी टोक्यो मंची गैंग हो रही है इधर, एक के बाद एक लौंडे आ जा रहे हैं। वो नेजुको को बचाता है, इतने में गैना जाता है, तांजिरो गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं मारूंगा अपर मून को और मैं हाशिरा बनूंगा। अगर तुम लोग बात भूल चुके हो कि एक डीमन स्लेयर कॉप हाशिरा कैसे बनता है, तो या तो 50 डीमन्स को मारना पड़ेगा, एक अपर मून को मारना पड़ेगा। तो गैना ये कहता है कि मैं अपर मून को मारूंगा, मैं बनूंगा हाशिरा। तांजिरो इज लाइक बिल्कुल भैया बनो तुम, मैं और नेजुको तुम्हारे साथ हैं। मैं भी गन्ने को ऐसे लगा रहा हूँ कि तांजिरो को हाशिरा बनना है, पर उसे ऐसा कोई भी गोल नहीं है, तांजिरो को अपनी बहन को क्योर करना है। इनकी कॉन्वर्सेशन के बीच हमारे सारे सारे 4 अपर मून जो है, मतलब 4 के जो डिफरेंट पार्ट है 4, वो सारे रीग्रो कर जाते हैं और इन पे गैंग बैंग शुरू। तांजिरो अपर मून 4 के 5th हेड, जो ओरिजिनल हेड है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसे ढूंढ भी लेता है, पर तभी ये 4 डीमन समझ आते हैं कि तांजिरो ढूंढ लिया हमारा रियल हेड, अब उसे बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। ये सारे पड़ गए तांजिरो के पीछे कि उसको रोको, और तांजिरो ने 5th हेड मतलब रियल बॉडी कैसे ढूंढी, सूंघ के। वैसे ही में तांजिरो बस एक और ब्रीदिंग स्टाइल है, नोज ब्रीदिंग। नहीं अब भाई ये क्या है बच्चे, ये रियल बॉडी है, ये रियल बॉडी है। भाई मेरे सवाल है कुछ, इसने नाक से सूंघ कैसे पता लगा लिया कि इतने दूर कोने में पेड़ के नीचे डीमन बैठा हुआ है। भाई कुछ भी कहीं भी ढूंढ लेता है। अब सारे डीमन गैंग अप करेंगे तांजिरो के ऊपर, तांजिरो गैन्या को बोलता है जाके ढूंढ उसको वहां पे, डायरेक्शन देता है उसको गैन्या को, और सारे डीमन खुद पे और नेजुको पे बिजी कर लेता है वो। बट तांजिरो भूल गया वो अपर मून है, मजाक नहीं है वो। नेजुको मार दिया नेजुको ने, मर गई नेजुको। जो इन 4 में 100 वाला डीमन है वो नेजुको तो पेड़ में टांग देता है, लिटरली नेजुको पेड़ में अपनी स्पियर घुसा के उसे हैंग कर दिया पेड़ पे। यहीं पे हमें सीन में दिखाया जाता है ग्योको टोकीटो का, जो कि वही सीन है टोकीटो फंसा हुआ है अभी उस वाटर प्रिजन के अंदर। ओ इनका सीन, और देखो नेजुको भी इन डीमंस के लिए पोटेंशियल थ्रेड है, तो जो नेजुको फंसा रखा है नेजुको भी मार डालते हैं। और तांजिरो सामने नेजुको पे हाथ उठाना नहीं बच्चों गलत बात। जो एंगर वाला डीमन है वो नेजुको मारने वाले होता है, इतने में तांजिरो आके उसके हाथ ही काट देता है। काट दिया। इससे हमारा एंग्री डीमन तांजिरो की तारीफ करता है कि जब से मैं इससे मिल रहा हूँ इसकी ग्रोथ ही हुए जा रही है, रिफ्लेक्स स्पीड पावर ये बढ़े ही जा रहा है। यहाँ मैं चीज नोटिस करी कि अपर मून 4 थोड़ा डर रहा है तांजिरो से। पहली चीज तो वही कि तांजिरो ने लास्ट एपिसोड के अंदर एक अटैक के अंदर इन 3 हेड को एक बारी में काट दिया था, और इन तीनों डीमन से लास्ट एपिसोड के अंदर तांजिरो के अंदर यूरिची को भी देखा था। तांजिरो ने एंग्री वाले डीमन के हाथ काट दिए, और जो उड़ सकता है फन वाला उसका मुंह ही काट दिया, जीभ काट दिया यहाँ से। और फिर जो नेजुको करती है बहुत कोल्ड, देखो जो सौरो इमोशन वाला डीमन है वो है तो डीमन पर सिर्फ बुरा फील करता है, और नेजुको ने इतने गंदे में सर पकड़ा, वो खुद रोड से आ गए और उसको अपने ब्लड डीमन आठ से जला दिया। वो चिल्ला रहा अलग कोने के अंदर, वो जला दियो। पर सिर्फ इनमें से एक डीमन प्लेजर वाला, जिसकी पावर में कहना समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे काम कर रही है वो।
यार इसकी भाई कोई पावर एक्सप्लेन करो प्लीज मेरे को। कभी ऐसे कर रहा है तो लोग उड़ रहे हैं, कभी ऐसे कर रहा है तो लोग झुक रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएट कैसे करा जाए इसके अंदर। मेरे को थोड़ा जमन तांजुर को भी समझ नहीं आ रहा है। वही डिमन तांजुर को जमीन पे पटक देता है, मतलब चिपका देता, तांजुर उठ भी नहीं पा रहा था। और दूसरी साइड फॉरेस्ट के अंदर गैना रियल बॉडी को ढूंढ रहा है, जो कि देखे मैं फिर कंफ्यूज हो गया। लाइक बैटल फील्ड के अंदर तांजुर लड़ रहा है, पर वहां लड़ते लड़ते भी गैना को डायरेक्शन बताया जा रहा है कि तेरे राइट में, तेरे पीछे, इधर उधर। आई एम लाइक भाई इसकी नाक है जीपीएस। अगले सीन में गैना लिटरली वहीं पे खड़ा है, डिमन उसके राइट साइड में नीचे, उसको नहीं दिख रहा। तांजुर दूर से बोलता है तेरे राइट में नीचे। आई एम लाइक ये क्या भाई, इतना स्ट्रॉन्ग जीपीएस, अबे जोरो की हेल्प कर जाके भाई तू। मार साले को गया, चलो खत्म। हाँ? तलवार टूट गई। अब गैना के पास दो तलवारें हो गई, ये देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट कॉपी मत लेगा तलवार की, वो भी छोड़ो। आगे गैना अपनी गन यूज करता है, उसका भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ये मुझे देखकर लग रहा है कि ये इसका छोटी बॉडी तो है, बट ये शायद से इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है, जितना मुझे लग रहा है। ड्यूरेबिलिटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर गैना रियलाइज नहीं करता कि काफी टाइम वेस्ट कर रहा है, और इतने में जो एंग्री वाला डीमन है वो गैना के पीछे है। और तब गैना ये बोलता है कि आई कैन नॉट रीजनरेट माई हेड। So, ये काइंडा शायद हाफ डीमन टाइप कुछ है, नजो की तरह, मतलब इसका कुछ चक्कर तो है डीमन के साथ, कुछ ना कुछ तो है। और अभी मैं पता लगता है कि जो गैना का ड्रीम है हाशिरा बनना, वो एक्चुअली में इसलिए ताकि उसका बड़ा भाई उसे एक्नॉलेज करे। और साथ में गैना अपने बड़े भाई से सॉरी बोलना चाहता है, जो गैना ने उस दिन, पता नहीं कौन से दिन, पर उस दिन अपने बड़े भाई को बोली थी बात को। और ये तो बिग ब्रदर, अबे तो वो लौंडा है। शुरू शुरू में जब नजो तांजिरो सब हाशिरा से मिले थे, जब इसने नजो के अंदर घुसा देती तलवार तलवार, नजो बुली करा था, तो वही हाशिरा है। नाम याद नहीं, पर देख के पता लगे वही वाला हाशिरा है। और इधर शुरू हो जाती है गैना की बैक स्टोरी, जो काफी इमोशनल थी। गैना की बैक स्टोरी शुरू हो रही है शायद से। गैना अपनी मदर के बारे में बताना शुरू करता है। पहले वो शुरू करता है फिजिकल अपीयरेंस से, और बताता है कि मेरी मदर इतनी लंबी नहीं थी हाइट के अंदर, इनफैक्ट कुछ टाइम में मैंने उन्हें ओवरटेक कर दिया था। वो बताता है कि मेरी मदर सुबह से लेकर रात तक काम करती थी, और मैंने उन्हें इनफैक्ट कभी सोते देखा भी नहीं। और गैना का फादर एक गुड फादर तो नहीं था। सबसे कुछ पहले वर्ड गैना के अपने फादर को ये होते हैं, ही वॉज गुड फॉर नथिंग। किसी ने गैना के फादर को मार दिया और इनको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि गैना का फादर यूज्ड टू बीट गैना's मदर एंड हिज अदर ब्रदर्स और गैना को भी। और वो भी बताता कि हमारी मदर हमेशा हमें बचा देती थी अपने फादर से, जब भी उसके फादर उन्हें पीटते थे तब हमेशा गैना की मदर खुद शील्ड बनती थी अपने बच्चों को बचाने के लिए। पर एक रात गैना रियलाइज करता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसकी मदर अब तक घर नहीं आई है। तो ये बात अपने बड़े भाई को बोलता है कि काफी लेट हो चुकी है, मम्मा अब तक आई नहीं है। और उसे बड़ा भाई चलाता है मम्मी की तलाश में, और ये छोटे छोटे भाई जो भाई बहन है उनको देखने में लग जाता है। बट इसे पता चलता है कि कोई भी नहीं सोया, सब लोग मम्मी का वेट कर रहे हैं। कुछ देर में तो बच्चे ही बोलने जाता है कि मम्मी को इतना लेट तो कभी भी नहीं हुआ। गैना और उसके भाई बहनों को दरवाजे के सामने एक फिगर दिखती है, तो शुरू में मुझे देखकर लगा शायद कोई ओल्ड मैन हो, कोई पीवी के आया हो, बट दो भाई और दो बहन जाते हैं दरवाजे मम्मी को वेलकम करने, बट एक अटैक में चार बच्चे खत्म। अ सिंगल अटैक वाज इनफ टू किल देम। इनफैक्ट गैना के नाक पे जो स्कार है वो भी इसको यहीं से मिलता है। गैना को शुरू में लगता है कि घर के अंदर कोई बीस या कोई स्ट्रे डॉग आ चुका है, वो देख नहीं पा रहा था कि घर के अंदर बहुत अंधेरा होता है और रात का टाइम था, वो तो डीमन आ चुका है। और जिसने घर के ऊपर अटैक करा होता है वो गैना के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। इतने उसे बड़ा भी आके सीधा टैकल करता है उसको दोनों घर से बाहर, वो गैना बोलता है भाग जाए यहाँ से। वो बड़ा भाई आ गया। गैना भागने का सोचता है, पर जब वो अपने आसपास देखता है कंप्लीट शॉक। गैना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि उसके भाई बहन नहीं रहे। वो किसी डॉक्टर को लेने जाता है, पर इतने में सुबह हो जाती है और उन्हें भाई तक पहुंचता है, और वो सामने क्या देखता है। जब मैंने सीन देखा कि उसका बड़ा भाई जिंदा है और नीचे एक डीमन मर रहा है, मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई इसका बड़ा भाई तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एंड टू बी ऑनेस्ट, गैना का जो सबसे बड़ा भाई है, मैं उसका नाम नहीं पता है, हाशिया है मुझे इतना पता है, पर यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओ मार दे से तो भाई वो। अब मैं समझाऊं कि कौन से वर्ड्स के लिए इसको सॉरी बोला था अपने भाई को। एक सीन दिखाया जाता है कि गैना और उसका बड़ा भाई ये बोल रहे होते हैं कि हमारे फादर मर चुके हैं, अब हमें अपनी मदर और सारे भाई बहन को देखना पड़ेगा। तो गैना बड़ा खुश होता है कि हाँ हम दोनों देखेंगे। लास्ट माइल में भी गैना का तो पता नहीं, बट गैना का जो बड़ा भाई है वो अपना रोल जरूर निभाता है। गैना का बड़ा भाई अपनी मदर को ही मार देता है। अब ऑफ कोर्स वो डीमन बनी थी, उसको मानना पड़ा, मतलब भाई पत्थर का दिल रख के मारा होगा इसने। पहले चीज, वो बच्चा है, उसने एक्सेप्ट ही कैसे करा होगा कि मेरी माँ डीमन बन चुकी है, मेरे पर अटैक कर रही है। वो भी ठीक है, और उसने उसको मार तक दिया। जिनो इधर मेरे को थोड़ा नजुको और तांजिरो का सीन याद आया। अगर शुरू में तांजुरो भी ऐसा होता, पत्थर का दिल रख के नजो वो मार देता, तो सेट डीमन सेट नहीं होता। क्योंकि स्टोरी है तांजिरो की, उसे अपनी बहनों क्योर करना है, दैट्स इट। चाहे उसको उसके लिए द
किंग ऑफ डीमन मुजान तक को मारना पड़े। देखो गैन्या के बड़े भाई ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए, जो फैमिली उसकी बच्ची है उनको बचाने के लिए, अपने दिले पत्थर रखे अपनी माँ जो डीमन बन चुकी थी उसको तो मार दिया। ये बात वो समझ चुका था बट गैन्या नहीं समझा और उसने इस गुस्से के अंदर, एक माँ को खोने की स्टेट के अंदर, अपने बड़े भाई को बहुत कुछ उल्टा बोल दिया कि तूने क्यों मारा माँ को, तू एक मर्डरर है। ऑफ कोर्स गैन्या ने उसने वो बात रियलाइज नहीं करी शायद से कि मेरे बड़े भाई ने हमको बचाने के लिए अपनी माँ तक को मार दिया, तो मुझसे डर तो उन्होंने सहा है। गैन्या यही बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ और मुझे एक मौका भी नहीं मिला कि मैं तेरे को सॉरी बोल सकूं। गैन्या ये बोलता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं कोई ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता, आई डोंट नो हाउ, बड़ा वियर्ड है, वो यूज नहीं कर सकता। तभी एक पता नहीं काइंड ऑफ हाफ डीमन सा बना हुआ है ये। गैन्या को बिल्कुल एंड में अपने भाई की मेमोरी भी आ जाती है इसके अंदर, वो बोल रहा है कि तू बहुत स्लो है, तू कभी एक डीमन स्लेयर कॉप मत ज्वाइन कर, तू कभी हासिल नहीं बन सकता, क्विट कर दे इस चीज को। नाउ इसके बाद जो होता है वो अलग है, बट मेरे को काइंड ऑफ ना फील हुआ कि जो गैन्या का भाई है उसको पता है गैन्या उस टाइम गलत नहीं था। नहीं हाँ, गैन्या गलत था, गैन्या ने गलत वर्ड बोले थे अपने बड़े भाई को, बट गैन्या ने उस टाइम बस अपनी मदर का लॉस देखा था। गैन्या उस टाइम इतना मैच्योर नहीं था कि वो बात को समझ पाए। तो आई थिंक गैन्या का भाई अपने भाई को अब तक बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि उसका भाई डीमन सेल वगैरह ज्वाइन करे। आई थिंक उसका बड़ा भाई यही चाहता है कि वो नॉर्मल लाइफ जिए और खुश रहे। बाकी अगर सही में गैन्या के बड़े भाई के अंदर इसको लेके हेट है तो वो अलग बात है, बट हाँ ऐसे कुछ छोटे बड़े भाई वाले मूवमेंट देखे मुझे हमेशा ताची और सास के मूवमेंट याद आता है। देखो इताची ने जो एज अ बड़े भाई वाला काम करा है ना, वो एनिमे के पूरी हिस्ट्री के अंदर उसे कोई टॉप नहीं कर सकता, नो वन। गैन्या मरने वाला होता है बट वी हैव द मेन प्रोटैगनिस्ट तानजीरो, प्लॉट टर्मर आ गया ना रूटो दिमाग। और तांजिरो यहाँ पे यूज करता है टॉक नो ब्रीदिंग, वही मोटिवेटिंग बात, आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, आंट यू गोइंग टू बिकम होकागे, ओ सॉरी हाशिरा। तभी जो सोरो वाला डीमन है वो पीछे से अटैक करता है, मुझे समझ नहीं पहले शुरू में कैसा अटैक है, बट ये अटैक खाना था तांजिरो को और खा लेता है गैन्या। जब मैंने गैन्या को देखा भाई, इसकी बॉडी में इतने छेद हो चुके हैं, उधर रनगो के एक छेद हुआ था, इसे कितने हो चुके हैं। वैसे सीन देखे मुझे ब्लीच की मांगा का एक पैनल याद आ गया, जिन्होंने ब्लीच देखा उन्हें याद आ होगा मे भी। जब मैंने सीन देखा मैं समझ आया कि ओ भाई गैन्या मर चुका है, ये गैन्या के लास्ट मोमेंट है, बट गैन्या तांजिरो को डायरेक्शन दे रहा है, मतलब रियल बॉडी को जाके मार, मैं नहीं मार पाया, मैं ऐसे लड़ रहा हूँ। तो मैं समझ गया कि गैन्या यहाँ पे नहीं मरने वाला, अगर कोई मेन कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर मरता है तो एटलीस्ट कुछ तो फील होता तांजिरो को, तांजिरो है जा रहा आराम से। तांजिरो रियल बॉडी को ढूंढ लेता है, वो यूज करता है हिनो कामी कागुरा और एपिसोड खत्म। ढूंढ ले तांजिरो ने, लगा दिया काट, मैं बोल रहा था काट हमारा कट गया। टू बी ऑनेस्ट काफी अच्छा एपिसोड था, नहीं गैन्या के लिए नहीं, इसके अंदर मेजरली हमने गैन्या और उसकी बैक स्टोरी देखी और हमें पता लगा कि गैन्या और उसके बड़े भाई के क्या लफड़े हैं, वो बात क्यों नहीं करते हैं। और गैन्या की बैक स्टोरी वो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत सिमिलर टू नेजुको और तांजिरो, ये एपिसोड मुझे काफी सही लगा। बट एक छोटी सी बात है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा मेरे को, एटलीस्ट हल्की फुल्की टोकिटो वर्सेस ग्योको की फाइट दिखा देते, लव हाशिरा को भी इंक्लूड कर देते थोड़ी बहुत, बट कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। पर हां कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता लगी तो ठीक है। तो हम इस वीडियो इतनी दी, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड होप यू एंजॉयड, मिलते हैं इस वीडियो अंदर, मोस्ट प्रोबेबली कोई थ्योरी वीडियो। और अगर तुमने मेरी लेटेस्ट थ्योरी वीडियो नहीं देखी जो सारद की पावर्स के ऊपर है, जिसमें मैंने बहुत जायरी मैथोलॉजी पढ़ी है, वीडियो यहाँ ही कहीं होगी। बाय बाय।